बैकग्राउंड पेंट करने के लिए ब्रश की जगह आप स्पॉन्ज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग में हल्का सा टेक्सचर चाहिए तो आप स्पॉन्ज से हल्के हल्के डैब करें। यदि आपको ब्रश के विजिबल स्ट्रोक्स नहीं पसंद आते तो आप ब्रश की जगह स्पॉन्ज का इस्तेमाल करें। स्पॉन्ज ना केवल कैनवस पे बल्कि अन्य सरफेस पे भी आसानी से पेंट स्प्रेड करते हैं, जैसे कि वुड, ग्लास या इवन प्लास्टिक बॉटल्स पे। आप जितना ज्यादा डार्क करोगे टेक्सचर उतना ही कम होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टेक्सचर फिनिशिंग के लिए स्पंज से कम डैप करिएगा और स्मूथ फिनिशिंग के लिए ज्यादा डैप करिएगा। सिंपल। फाइनली ब्रश से पेंटिंग को एक ग्लॉसी लुक आता है, ऑन दी अदर हैंड स्पंज पेंटिंग को मैट लुक देता है। स्पॉन्ज ब्रश और डैबर रेडीमेड भी अवेलेबल हो जाते हैं, सेट्स में भी आते हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। तो ये थी स्पॉन्ज पेंटिंग के बारे में कुछ खास बातें। आई एंजॉयड मेकिंग, होप यू एंजॉयड वॉचिंग।